चोर घर में घुस जाए और हम आंखें बंद करके बैठे, तब आंखें खुल जाएं हमारी, देख लिया चोर आ गया, तो फिर आंखें बंद करके वैसे ही बैठे रहें या चोर को पकड़ने या मारने पीटने के लिए जाएं? तो मैंने कहा कि ये बताइए, अगर आंख खुली है चोर को देखकर तो खुली क्यों? इसलिए खुली है कि उसका इलाज करो जाकर, फिर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आंखें बंद करके आप चोर चोर बोलते रहे। अपनी कायरता को आप इस रूप में ना बदलें, बल्कि हाँ आप ध्यान में बैठे हैं, आप अपने ध्यान में खो गए हैं, वो बात अलग है। कई लोग जो है अपने पूजा पाठ ट्रेन में भी करते हैं, ध्यान भी ट्रेन में कर लेते हैं, लेकिन उस समय वो अपना पूरा इंतजाम करके बैठते हैं। हमारे एक सज्जन थे ईश्वर चंद, वो तो कमाल के व्यक्ति थे। अपने बैग को में ताला जंजीर लगा के अपनी कमर से बांध करके और ट्रेन में बैठे होते थे, उसके बाद में जो है बैठ के अपना ध्यान करते थे। उनको लगता था कि कहीं अगर जो है ध्यान करते करते कोई चोर सामान उठा करके ले गया तो बाद में वैसे ही भगवान से शिकायत रह जाएगी। लेकिन उनका चमत्कार ये है कि यहीं गुजरात में एक बार वो आए थे, एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर थे, तो जहाँ शेड बना हुआ था वहाँ नीचे बैठे हुए थे। अचानक उनको ध्यान करते करते महसूस हुआ कि शेड गिरने वाला है, तो वो चिल्लाए लोगों के सामने कि गिरने वाला है, शेड गिरने वाला है, और उनके कमर के साथ वो उनका जो बैग था वो जंजीर बंधी भी, उसको वो खींचते जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, शेड गिरने वाला। अब उसकी बात सुन के लोग समझे पागल है, और वो शेड गिर गया थोड़ी देर के बाद। उसके बाद उन्होंने टेलीग्राम दिया हमको, बहुत पुरानी बात है, टेलीग्राम दिया, ईश्वर ने ईश्वर को बचाया। उन्हें बहुत तरह की घटनाएं ऐसे महसूस होती थी, क्योंकि जिसका ध्यान भगवान में पूरा लगा रहता है उसके अंदर तो इतनी संवेदनशीलता हो जाती है, अपने आप बहुत सारी चीजें दूर से सूझ रही होती हैं। इसलिए जब आप भगवान की भक्ति में बैठे हैं तो पूरे उसके हो जाएं। तो भागवत महापुराण में ये शब्द बड़ा अद्भुत है, जहां भगवान ये कहते हैं परिनिष्ठा च पूजायाम, पूजा में वफादारी करो, स्तुति भी स्तवनम मम, और जब मेरी पूजा मतलब कर्मकांड के माध्यम से पूजा करते हो तो स्तुति भी स्तवनम मम, तारीफ करते हुए पूजा में मन लगाओ, मतलब भगवान का गुणगान करते हुए। अब ये शब्द जरा सोचने का है, इसका मतलब होता है कि जब आप भगवान की पूजा करने बैठ रहे हैं उसके गुणों को याद करो, तो दयालु है, सब पर दया करता है, मेहर करता है, मुझ पर कब कब कहाँ कहाँ किस किस तरह से तूने दया की, कैसे मुझे संभाला, कैसे मुझे बचाया, उस सब को याद करके उस दयालु रूप को ध्यान में लेकर के हाथ जोड़ के सिर झुकाना, उसकी करुणा को उसकी दया को स्मरण करो। और अगर कहते हैं तो पतित पावन है, पतितों को भी पावन करने वाला, न जाने कितने ऐसे भक्त हुए दुनिया में जो पहले उनका जीवन कुछ और था और बाद में जीवन कुछ और हो गया, क्योंकि जिसको परमात्मा का रंग लग गया उसके जीवन के अंदर तो क्रांति होनी ही होनी है। इसलिए प्यारा परमात्मा पतित पावन है, जो भी आप नाम बोलते हैं भगवान का उस तरह से उसे सोचना शुरू करें। अगर उसे कहते हैं निर्विकार, तेरे अंदर कोई विकार नहीं, यार हम वो हैं जो विकारों वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई खोट हमारी जिंदगी में है, लेकिन तू ऐसा है कि जिसकी शरण में जाने से कैसे भी विकार जिंदगी में क्यों ना हो निकलने शुरू हो जाते हैं और पवित्र होना शुरू हो जाता है मनुष्य। और अगर कहते हैं कि तू माता है, तू पिता है, तू बंधु है, तू सखा है, एक मजे की बात आपने देखी होगी, भगवान को त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान को किसी ने चाचा मामा नाना दादा नहीं बोला,
ये तो कहते हैं पिताओं का पिता तू है, पर कहते पिता ही है। सारे रिश्ते भगवान से हैं, लेकिन कोई ये तो नहीं कहता आप बहुत अच्छे जीजा जी हैं, आप बहुत अच्छे चाचा जी हैं, आप ताया जी ताऊ जी हैं, ये सब कोई नहीं बोलते। पिताजी कहते हैं, माता जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब थोड़ा सा सोच के देखना कि चाचा का रिश्ता कहीं ना कहीं उसमें अलग तरह का अंतर आ जाता है, लेकिन पिता का रिश्ता तो ऐसा है, अपने बच्चे का पालन पोषण करेगा, उसको जितना भी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेगा, कभी हिसाब नहीं रखता कि जब से पैदा हुआ था तब से लेके मैंने इसके ऊपर क्या क्या खर्च किया, हिसाब नहीं रखता। तो जो बेहिसाब देता है वो पिता कभी हिसाब नहीं करता, और जो परमात्मा है, पिताओं का पिता है, वो भी जब आपको देता है तो कभी गिनती नहीं करता कि मैंने इसको क्या दिया। इसलिए कुछ भक्त लोग वे हैं जो भगवान के लिए जब कुछ देने की बात आती है तो जेब में हाथ डालते हैं तो उसमें से नोट निकालते नहीं, सब निकाल करके दे के आते हैं कि तू बिना गिने देता है तो फिर मैं कौन होता हूं जो गिन कर तेरे सामने तेरे देवे को दे। वो जो आपने पंक्ति सुनी है ना, ये कहकर छोड़ दी उसने माला कि गिनकर क्यों लू नाम उसका जो बेहिसाब देता है, जो हमें देता है तो बिना हिसाब के देता है, उसका माला जप के गिन गिन के नाम क्यों लू, क्योंकि जब वो बेहिसाब देता है तो मुझे भी बेहिसाब नाम जपना है उसका। कोई गिनती नहीं गिननी, इतनी माला हो गई, इतना नाम जप लिया, बेहिसाब के साथ बेहिसाब ही चलना पड़ेगा। तो पिता ही एक ऐसा है, आप जरा सोच के देखिए कि चाचा भी अगर पालने की जिम्मेदारी चाचा पर आए, किसी बच्चे की पालन पोषण की जिम्मेदारी चाचा पर आए, तो वो हिसाब जरूर लिखेगा, इसके पढ़ाई पर इतना खर्च हुआ, इसके कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, इसके आने जाने पर इतना खर्च हुआ, और हिसाब रखना भी पड़ता है, क्योंकि बाद में कोई पूछे इसने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर बताना पड़ता है भैया तुम्हारा इतना इतना खर्च हुआ, इतना कुछ मैं दे चुका हूँ। चाची खाना खिलाने बैठेगी ऐसे बच्चे को जिसकी जिम्मेदारी पालन पोषण की चाची के ऊपर आई, तो वो रोटी भी गिनती है, अपने बच्चे की नहीं गिनेगी, अपने बच्चे के लिए तो यही बोलेगी इसको भूख ही नहीं लगती, कुछ खाता ही नहीं, पराए बच्चे के लिए तो कहे कि इसे बड़ी भूख लगती है, तीन तीन रोटी खा गया, दो और मांग रहा है। पराए का हिसाब रखा जाता है, अपने का हिसाब नहीं रखा जाता, ना माँ रखती ना पिता रखता। तो वो जो कभी हिसाब नहीं रखता आपको देने में, प्यार देने में, इतनी सारी चीजें देने में, जिसने कभी हिसाब नहीं किया, वो पिताओं का पिता परमात्मा, इसलिए उसे परम पिता बोलते हैं, इसलिए उसको परम माता कहा जाता है। वो पिता है, वो माँ है, वो बंधु है, वो सखा है, बंधु सखा उसे जिससे हम बंधे हुए हैं, और सखा वो जिससे हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। कुछ बातें हैं जो आप माता पिता से भी छिपा लेंगे, लेकिन अपने दोस्त से नहीं छिपाते। तो भगवान वो है जिससे कभी कुछ नहीं छिपाया जाता, जो कुछ हमारे दिल में है वो उसको बताया जा सकता है, इसलिए दोस्तों का दोस्त भी परमात्मा है। तो कहा गया कि भगवान की भक्ति करने में एक चीज ये भी आनी चाहिए, जब उसकी तारीफ में आप, उसकी स्तुत करने में आप बैठे, स्तुति करते हैं ना जब आप, तो उससे एक फल पैदा होता है, प्रीति जागती है, प्रेम जागता है भगवान के प्रति, अनंत प्रेम जागे, और जब प्रेम जागे तो श्रद्धा से सिर झुके तो समझ लेना चाहिए अब आपकी भक्ति शुरू हुई है। इसमें आज का दिन आपको ये सिखा रहा है कि जहां धर्म को जीवन से जोड़ना है वहीं भक्ति को भी जीवन से जोड़ना है, और समय आगे हमारे पास नहीं बचा, इसलिए श्लोक जल्दी से पूरा कर देता हूं आपको। आदर परिचर्यायाम
सेवा को आदर देना सीखो। भगवान ये कह रहे हैं कि आपको सेवा करने का मौका अगर मंदिर में भगवान के भक्तों के बीच भंडारे में या किसी भी जगह पर सेवा करने का मौका मिले तो समझ लेना चाहिए इससे बढ़कर आदर वाली चीज कुछ भी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सम्मान का स्थान है। हनुमान जी के स्वरूप को याद करते हैं तो दिखाई देता है वो सेवा से ही इतनी ऊंचाई को प्राप्त हुए कि बिना हनुमान के काम नहीं चलता राम जी का। और हनुमान को राम सेवक रामदूत बनने का अधिकार मिला सेवा के कारण। और हनुमान वो रूप है जो संत भी है सिपाही भी है। हाथ में गदा है तो सिपाही भी है और नाम जप रहे हैं तो भक्त भी है, सेवक भी है, सिपाही भी है, सेवा करने में भी लगे हुए हैं। तो आपको जब भी कोई मौका मिले सेवा करने का तो अपनी किस्मत को सराहो और ऐसी जगह जाओ जरूर। सेवा करने के लिए जहां ड्यूटी लग जाए वहीं खड़े हो जाओ। और ध्यान रख लेना, एक तो वो है जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो तो भक्त हुए। लेकिन जिसे भगवान याद करते हैं वो सेवक हुए, वो सेवा करने वाले लोग उन्हें भगवान याद करते हैं। उनकी श्रेणी अलग है, उनकी कैटेगरी अलग है, क्योंकि वो परमात्मा के ऐसे लाडले होते हैं, भगवान को प्यार करने वाले और भगवान जिन्हें प्यार करें, भगवान को याद करने वाले और भगवान जिनको याद करें। तो अपने आप को सेवक भी बनाओ और भक्त भी बनाओ। सेवा करने का जब भी मौका मिले कभी पीछे मत हटना। हाथ से भी सेवा करो, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, और सेवा का व्रत लेकर के देखिए। अच्छा लगता है सुनकर, थाईलैंड में मैंने देखा वहां जो वट हैं बौद्धों के वट हैं, तो बड़े बड़े अमीर लोगों का भी एक गुण देखने को मिला है, 40-40 दिन के लिए साधु बन करके वहां रहते हैं और सेवा करते हैं। कोई कोई आदमी एक एक साल के लिए साधु बन जाता है, एक साल तक सेवा करके पूरा जीवन जैसे साधु वाला जीवन हो गया, वैसे ही रहना, वैसे कपड़े पहनना, वैसी उनकी दिनचर्या रहेगी, वैसे खाएंगे, वैसे भिक्षा मांगने जाते हैं। और वहां के साधु लोग जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो उनके भिक्षा मांगने का ढंग भी बड़ा अद्भुत है। किसी दरवाजे पर जाएंगे तो पहले ही महिलाएं जो है अपना भोजन की सामग्री घुटनों के बल बैठे हुए ऐसे हाथ में लेके बैठी होती है, एक जगह से लेंगे वो और वापिस चले जाएंगे। वहां साधु अगर सड़क पर आ गया तो ट्रैफिक रुक जाएगा एकदम, इतना आदर देते हैं वे लोग। तो सेवा करने वाले आदमी को मान दीजिए और सेवा वाले को कभी नहीं सोचना चाहिए मुझे मान मिले। अगर मान का इच्छुक होगा तो फिर वो सेवा नहीं कर सकता। हनुमान शब्द को ही जब आप याद करोगे तो ऐसे समझ लीजिए, हन मतलब मार लेना, मान मतलब मान, जिन्होंने अपने मान सम्मान को भी मार लिया है, जो सेवा के लिए अपना सम्मान नहीं बल्कि अपने स्वामी के सम्मान को ही अपना सम्मान मानता है, वो है सेवा। तो भगवान ये कहते हैं सेवा को आदर देना, सर्वांगी अभिवंदनम, और जब प्रणाम करो भगवान को तो शर्म नहीं करो कि हाथ जोड़ के करना, घुटनों के बल बैठना पड़े तो लोग, कई लोग घुटनों के बल बैठते ही नहीं, लेकिन ये तो कहते हैं सर्वांगी अभिवंदनम, दंडवत प्रणाम करो सभी अंगों से, साष्टांग प्रणाम। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मंत्र ये श्लोक पूरा कर देता हूं क्योंकि टाइम तो नहीं रहा हमारा, ज्यादा हो गया। मद भक्त पूजा अप्याधिका, मेरे भक्तों को भगवान कहते हैं मेरी पूजा से भी अधिक उनको मान देना जो मेरी चर्चा करते हैं, मेरे से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं। और सर्वभूतेषु मनमति, प्राणी मात्र में मेरे रूप को समझने की कोशिश करो। मतलब ये है कि अगर भगवान को याद करते हो तो याद शब्द को उल्टा करना,
याद को उल्टा करते ही दया शब्द बनता है। तो प्राणी मात्र के प्रति अगर आप दया करते हैं तो इसका मतलब आपको भगवान याद है, याद है भगवान तो दया करोगे, और दया है आपके अंदर तो याद है भगवान। तो ऐसे परमात्मा को सब में देखने की चेष्टा कीजिए। परमात्मा फिर अवसर देंगे, हम लोग फिर बैठेंगे और चर्चा में भाग लेंगे। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 13 से 16 अप्रैल 2023 समय सायं 5 से 7 बजे 14 से 16 अप्रैल प्रातः 9 से 11 बजे सत्संग स्थल ग्राउंड नजदीक मित्तल मेगा मॉल सेक्टर 25 पार्ट 2 पानीपत हरियाणा। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 16 अप्रैल 2023 प्रातः 11 बजे आयोजक विश्व जागृति मिशन पानीपत मंडल। संपर्क सूत्र इस कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहें। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्य प्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न योगिक क्रियाएं इत्यादि, साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथ आश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गाँव में
आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजी हुआय स्वाहा, ओम अग्नये हव्य वाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये सोदर जाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्मा के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।